नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। 2019 भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छा साल है। लगभग 10 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्टार्टअप्स ने भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाजार में पेश किए गए। इसीलिए हम आपको सुविधाओं, सामर्थ्य और लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए 2019 तक भारत में सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है। बजट खंड पर देखें तो हैदराबाद के वर्सेटाइल वीई 45 भारत में मशहूर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में से एक माना गया है। 22,000 के प्राइस टैग के साथ वीई 45 एक चार्ज पर 45 किलोमीटर की रेंज देता है और इस बाइक का उपयोग सभी आयु के लोग द्वारा किया जा सकता है क्योंकि इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर पर आर तक लिमिट की गई है। इसका फुटर स्पेस भी वाइड है और ये लाइट वेट है और आसानी से हैंडल किया जा सकता है। ये स्कूटर सिर्फ हाफ यूनिट लेता है फुल चार्ज करने के लिए, जिससे कि आपको 45 किलोमीटर का ट्रैवल सिर्फ ₹1 लगेंगे। करंटली ये स्कूटर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में उपलब्ध है। और रेंज के खंड को देखते हैं तो सिंगल चार्ज पर ओकिनावा स्कूटर्स के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेस्ट रेंज देते हैं। अपने पिछले प्रेज स्कूटर से लेकर अपने नए लॉन्च किए गए आई प्रेज ओकिनावा रेंज के मामले में एक बेंचमार्क सेट करता है। कंपनी के आई प्रेज प्लस मॉडल 160 किलोमीटर की रेंज देती है सिंगल चार्ज पर। इस स्कूटर के स्पेसिफिकेशंस है टॉप स्पीड 70 किलोमीटर पर आर, 3.3 किलोवाट आर की लिथियम आयन बैटरी, चार्जिंग टाइम 3 से 4 घंटे, रेंज 160 किलोमीटर और ये 1 किलोवाट BLDC मोटर से संचालित है। इस बाइक की खासियत ये है कि ये एक डीअटैचेबल बैटरी के साथ आता है और एक ऐप बेस्ड कनेक्टिविटी रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ आता है। ओकिनावा स्कूटर 3 साल की वारंटी बैटरी और मोटर पर दे रहे हैं। करंटली आई प्रेस कंपनी के 301 इंडिया के डीलर नेटवर्क्स में उपलब्ध है। इसकी एक्स शोरूम की कीमत 1,08,728 है। और अब आते हैं बेस्ट ट्रैफिक एस्पेक्ट खंड में। हैदराबाद के स्टार्टअप प्योर एनर्जीज द्वारा पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर ई ट्रांस बेस्ट बाइक है इंडिया के ट्रैफिक एस्केप्स के लिए। इस स्कूटर की खासियत ये है कि ये दोनों ही बैटरी पावर और पेडलिंग से चलती है। अगर आपकी बैटरी खत्म हो जाती है तो आप पेडल करके भी अपने डेस्टिनेशन पर आराम से पहुंच सकते हैं। ये एक यूनिसेक्स बाइक है जो दोनों ही मेल और फीमेल द्वारा चलाई जा सकती है। इसकी बैटरी भी डीअटैचेबल है जिसे यूजर्स आसानी से चार्ज कर सकते हैं। और अब स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसकी टॉप स्पीड 25 से 30 किलोमीटर पर आर है और इसकी रेंज 70 किलोमीटर है और लोडिंग कैपेसिटी 120 केजीज है और ये 1 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी है और सामने की ओर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और पीछे ड्यूल शॉकर्स है। डिजिटल डैशबोर्ड स्पीड ओडोमीटर और बैटरी इंडिकेटर को दिखाता है और आखिर में ई ट्रांस तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बेंगलुरु में उपलब्ध है और इसकी कीमत 52,000 रुपीज है। और अब स्टार्टअप खंड की बात करें तो महाराष्ट्र आधारित अवान मोटर्स के एक मीडियम स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर अवान 0+ बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर माना जाता है इस स्टार्टअप द्वारा। 0+ दो रेंज वेरिएंट्स में उपलब्ध है 60 किलोमीटर और 120 किलोमीटर। और अब स्कूटर के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये 800 वॉट BLDC मोटर से संचालित है और ये 4 घंटों में चार्ज होती है और इसकी टॉप स्पीड 45 किलोमीटर पर आर है और लोडिंग कैपेसिटी 150 केजीज है। और आखिर में 0+ बड़े शहरों में उपलब्ध है इंडिया में सिंगल बैटरी के साथ। इसकी कीमत 53,210 है और 77,210 दो बैटरी के लिए। भारत में बेस्ट स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर को देखें तो अभी तक एवेरा रेट्रोसा इंडिया की फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है। रेट्रोसा को एक विजयवाड़ा ईवी स्टार्टअप एवेरा मोटर्स ने मैन्युफैक्चर किया है जिसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आर है, जिससे रेट्रोसा इंडिया की फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर बन गई है। अब देखते हैं इस स्कूटर के स्पेसिफिकेशंस क्या है।
रेंज 140 किलोमीटर है और ये 3 किलोवाट बॉश मोटर से संचालित है और इसे चार्ज करने के लिए 4 घंटे लगते हैं। इसमें 2.59 किलोवाट आर लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी लगी है और ये आंध्र प्रदेश में उपलब्ध है और इसकी एक्स शोरूम की कीमत 1 लाख रुपीज है। और अब हम हाई टेक इलेक्ट्रिक स्कूटर खंड के बारे में बात करते हैं। करंटली एथर 450 बेस्ट हाई टेक इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध है इंडिया में। इसमें GPS नेविगेशन है OTA अपग्रेड्स के साथ। इसके स्कूटर के लॉन्च के बाद से अब तक इसे 6 OTA अपग्रेड्स किए गए हैं। इसमें 7 इंच का टच स्क्रीन डैशबोर्ड है जिसे राइडर आसानी से नेविगेशन कर सकता है और इसमें ऑटो ब्राइटनेस कंट्रोल और IP65 रेटिंग एक असंभव परफॉर्मेंस सुनिश्चित करता है। स्कूटर के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आर है और रेंज 55 से 75 किलोमीटर है। इसमें 2.4 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी है और ये 80% फास्ट चार्ज से होती है और इसमें 3.3 किलोवाट मोटर है। और आखिर में एथर 450 बेंगलुरु और चेन्नई में उपलब्ध है और इसकी ऑन रोड कीमत है 1,13,715 बेंगलुरु में और चेन्नई में 1,22,224 रुपीस है। और इन सब स्कूटर्स के साथ साथ हम आपको कुछ और भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में कहना चाहते हैं। जील इलेक्ट्रिक स्कूटर एम्पियर व्हीकल्स की पहली हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसकी टॉप स्पीड 55 किलोमीटर पर आर है और रेंज 70 किलोमीटर है। ये एक डी अटैचेबल बैटरी के साथ आता है और इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 66,950। इलेक्ट्रिक फोटोन एक बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है हीरो इलेक्ट्रिक कंपनी से। ये स्कूटर 110 किलोमीटर की रेंज देता है और 45 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड और इसकी कीमत 98,990 है। राजस्थान के स्टार्टअप बैटरी स्कूटर और बेनलिंग इंडिया के स्कूटर्स भी मेंशन है और ये स्कूटर्स की कंप्लीट जानकारी पाने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स चेकआउट कीजिए। तो ये तो इंडिया के 2009 के बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स थे और 2009 में कंपनीज जैसे बजाज और 22 मोटर्स ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को अनवील किया है, लेकिन हमें उसे खरीदने के लिए 2020 तक इंतजार करना पड़ेगा। और आखिर में 2009 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स इंडिया में लॉन्च पैंड होंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2020 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बहुत शानदार साल होगा। गो ग्रीन, गो इलेक्ट्रिक।